नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता रायल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में दिखी गुटबाजी, रामनगर पहुंची यात्रा में भिड़ गए हरीश रावत और रणजीत रावत गुट। जन आशीर्वाद रैली में अल्मोड़ा दौरे पर जा रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, आधे रास्ते से वापस देहरादून लौटकर दूसरे हेलीकॉप्टर से हुए अल्मोड़ा के लिए रवाना। सस्ता गल्ला बना महंगा, एपीएल कार्ड धारकों को मनमाने रेटों पर दिया जा रहा है राशन। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिली है। परिवर्तन यात्रा बीती शाम रामनगर पहुंची, जहां हरीश रावत और रणजीत सिंह रावत गुट आपस में ही भिड़ गए। हरीश रावत ने रणजीत सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि जो खेलुए और टहलुए हैं उनके चक्कर में मत पड़ो, आगे बढ़ते रहो। बता दें कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा कल शाम लगभग 5 बजे रामनगर पहुंची, जहां पहले रणजीत सिंह रावत और हरीश रावत के गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अपने समर्थकों के साथ उनकी गाड़ी में सवार हो गए और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह एक गाड़ी में सवार थे। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज कुख्यात संगठन तालिबान की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से करना जावेद अख्तर को भारी पड़ गया। देहरादून में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष अंशुल चावला के नेतृत्व में जावेद अख्तर द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में लैंसडाउन चौक पर जावेद अख्तर का पुतला दहन किया गया। चमोली के लाम बगड़ में स्थित जेबी कंपनी ने कार्यरत असिस्टेंट स्टोर कीपर सतीश पवार ने कंपनी के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि कंपनी द्वारा षड्यंत्र के तहत उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। सतीश पवार की पत्नी पूजा पवार ने कंपनी पर आरोप लगाया कि इसी दौरान कंपनी ने लामगढ़ स्थित जेपी अस्पताल में उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा खिलवाड़ किया है। उनका स्वास्थ्य खराब होने पर वो वहां भर्ती हुए, साथ ही वो गर्भवती थी, लेकिन जेपी कंपनी के डॉक्टरों ने उन्हें नेगेटिव बताया और ड्रिप और तेज एंटीबायोटिक दवाइयां दी। जब उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब हुआ तो ऋषिकेश अस्पताल में भर्ती हुई, जहां पता चला कि वो गर्भवती है और एंटीबायोटिक दवाइयों की वजह से उनका बच्चा पेट में ही मर गया है, जिसके बाद उन्हें अबॉर्शन करवाना पड़ा। टर्मिनेटर का लेटर दे दिया, इन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुझे टर्मिनेट कर दिया। ना मेरी कोई सुनवाई हुई ना कुछ हुआ, जबकि इन्होंने मुझे 12 तारीख को चार्जशीट जब दी थी उसमें एक लिखा था कि आपकी मोहम्मद मुस्लिम खान से ऐसी ऐसी बहस हुई है, इसके संदर्भ में आप ये लिख के दें मुझे 16 तारीख तक, जो कि मैंने 14 जुलाई को लिख के दे दिया था कि हमारी ये बात हुई थी। इन्होंने बिना सामान के सामान मांगा था 3 तारीख को, फिर 6 तारीख को चाबी को लेके बहस हुई। इन्होंने ऊपर पीएनडी सेक्शन जो हमारा है, जो वाईके शर्मा जी देखते हैं, और ऊपर जो डायरेक्टर थे जो श्री चड्डा जी हैं और जो इनके सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनको इन्होंने बड़ा चढ़ा के पेश किया कि सर सतीश ने ऐसा बोला वैसा बोला, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। एक छोटी सी बहस जो कि 5 मिनट या 6 मिनट चली होगी, इन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए ना मुझसे कुछ, ना मुस्लिम खान जी को ना मेरे सामने पेश किया, ना हम दोनों को लेके आपस में पूछवाया, कुछ नहीं, सीधा कि आप घर जाइए। ये हमारे मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, ये मेरे साथ ही नहीं, हमें वहाँ से जल्दी भेजने के लिए बोला कि आप यहां से जल्दी खाली करिए। कंपनी के रूल के हिसाब से जब आपको टर्मिनेट लेटर मिल गया है तो आपको 24 तारीख को एट एनी कॉस्ट वहां से खाली करना है। 23 जुलाई को मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरे को चक्कर वॉमिटिंग ये सब हो रहा था, तो मैं रात को 11 बजे डिस्पेंसरी गई दिखाने के लिए, जो कि डॉक्टर नहीं थे वहां पर, तो उन्होंने एक जो वहां पर हेल्पर थे उन्होंने एज अ कंपाउंडर जो होते हैं उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया कि आपको शायद इससे रिलीफ मिल जाएगा। मैं कमरे में गई, मुझे कोई आराम नहीं मिला, कंटिन्यूसली मेरे को सुबह तक वॉमिटिंग वगैरह होती रही। फिर सैटरडे के दिन, नेक्स्ट डे सैटरडे को ये होता है कि वहाँ के जोशीमठ के जो डॉक्टर हैं पंकज पांडे जी, वो वहाँ आते हैं और सैटरडे वहाँ के पेशेंट्स को देखते हैं। तो जब वो आए तो उन्होंने बोला कि पेशेंट को लेके आओ और हम उन्हें चेक करेंगे कि उनको एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। तो मैं जैसे तैसे वहाँ गई, मुझे लोग पकड़ के ले गए और उन्होंने मेरा फर्स्ट उन्होंने यही पूछा कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। मुझे इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया
और टेस्ट में नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, मुझे वो टेस्ट किट जो होती है मुझे शो नहीं की गई। ऋषिकेश दिखाने गए निर्मल डॉक्टर पे, तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप 5 weeks 2 days प्रेग्नेंट हो और आप अभी, और उन्होंने अल्ट्रासाउंड में ये भी चेक किया कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं दिख रही है, लेकिन ठीक है एक हफ्ते में देखते हैं अगर आगे आती है। लेकिन जोशीमठ में जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला आप प्रेग्नेंट नहीं है, और उन्होंने जो मर्जी है, उन्होंने जो भी मेरे को जो जिस तरीके से मैंने अपनी दिक्कत बताई थी कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है, उन्होंने मेरे को वो सारी चीज़ें मेरे को लगाई, ड्रिप वगैरह चढ़ाई, ये सोच के कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, हालांकि मैं प्रेग्नेंट थी। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 दिन बाद में प्रेग्नेंट शो हो रही हूँ और 2 दिन पहले नहीं हो रही हूँ। इतना तो सभी को नॉलेज है कि ये सब नहीं होता है। सिर्फ उनका ये मोटो था कि हम जल्दी से जल्दी जेपी के जो वहाँ कैंप है उनको खाली करें। और वहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब आज जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने के लिए अल्मोड़ा जा रहे थे और देहरादून से उनके विमान ने जैसे ही उड़ान भरी वैसे ही उनके हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को वापस देहरादून लाया गया और उसके बाद दूसरे हेलीकॉप्टर से उन्हें अल्मोड़ा के लिए रवाना किया गया। देवस्थानम बोर्ड का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, चारों धामों में लगातार इसका विरोध बढ़ता ही जा रहा है। वहीं गंगोत्री धाम में भी देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 88वें दिन और क्रमिक अनशन 68वें दिन भी जारी रहा। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार जल्द इस काले कानून को वापस ले। वहीं आपको बता दें कि दर्जा प्राप्त मंत्री मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया है ताकि तीर्थ पुरोहितों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकाला जा सके। हमारे तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन क्रमिक अनशन ठीक 88 दिन पूरे हो गए हैं और मैं सरकार से ये बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं कि जो देवबंद वाले लिख रहे हैं कि गांव-गांव में जाओ और हिंदुओं के बच्चों को जो है केमिकल फ्रूट खिलाओ, इसके बारे में माननीय त्रिवेंद्र जी वगैरह ये आप मंत्री संतरी जितने हैं आप लोग क्यों कमेंट नहीं कर रहे हैं। पहली बात, इमाम बुखारी दिल्ली जामा मस्जिद से ऐलान कर रहा है कि जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है कोई हिंदू वहाँ नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ये फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, ये रिले वायरल है, सब कुछ आप लोग देख रहे हैं। केवल हिंदू धर्म को ही आप डैमेज कर रहे हैं, केवल हिंदू को ही भूखे मारने की आपका जो ये मेंटिलिटी जो आपने बना रखी इंटेंशनली, ठीक, ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। रुद्रप्रयाग जिले में मोटर मार्गों की समस्याओं को लेकर भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल ने लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की और समस्याओं से अवगत करवाया। कमलेश उनियाल ने बताया कि सतपाल महाराज द्वारा संबंधित अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से आदेशित किया और तुरंत कार्रवाई करने को भी कहा गया। जल्द ही मोटर मार्ग में संबंधित समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। डीडीहाट विधानसभा के भैंस्यूड़ी ग्राम पंचायत के क्रीड़ांगन में 5 दिन तक चले लोक पर्व आठू महोत्सव का समापन हो गया है। इस मौके पर प्रदेश के पेयजल मंत्री विशन सिंह चुफाल उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मंत्री चुफाल ने लोगों के साथ चांचरी और ठुल खेल जैसे खेलों में भी शिरकत की। वहीं इस मौके पर मेला समिति ने चांचरी, ठुल खेल, पंखुड़िया, रामायण के साथ कई प्रस्तुतियां भी पेश की। जो आठू पर्व होता है इसको एक महोत्सव के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है जो सातों आठों कसाण की है। इसमें जिस प्रकार से शिव और पार्वती के जो पूजन की जाती है इस आठों विशेष कर देखने को मिला। इसमें सारी जिस प्रकार से रामायण का पूरे जो 10 दिन के हम रामायण करते हैं उसको एक दिन में पूरा रामायण के पात्र भी हैं और वो अपने अपने पात्र हैं और वो पात्रों के माध्यम से रामायण पूरी की जाती है। इसके अलावा यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मिलते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जो यहाँ के जो ठुल खेल हमारे यहाँ के जो संस्कृति है, जो झोड़ा है, जो महिलाएं गाती हैं उसको देखते हुए लोग बाहर से दूर जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरागत संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, उस पहचान को इस दर्शाती है ये विशेषकर इस कसरण के आठ। देहरादून के डोईवाला फतेहपुर जीवनवाला के निवासी रिटायर्ड 62 साल के शिक्षक सुभाष चंद्र 7 दिन से लापता है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जबकि पीड़ित परिवार ने 30 अगस्त को डोईवाला कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। वहीं फतेहपुर टांडा जीवनवाला की दर्जनों महिलाओं ने पीड़ित परिवार के साथ कोतवाली पहुंचकर कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर लापता सुभाष चंद्र शर्मा को जल्द ढूंढने की मांग की है। 62 साल के थे और ये 31 तारीख को लापता हो गए। थाने में शिकायत दे दी आपने? हाँ जी सर।
तो आज मुलाकात करने आए थे कोतवाल साहब से, क्या बात हुई? सर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में हम आपको बता देंगे। अच्छा, तो आप लोग केस की अपडेट जानने पहुंचे थे? हाँ जी, हाँ जी सर। घर से जो मेंबर लापता है उसके बारे में तो हमें पता है, हमारे को कितनी दिक्कत हो रही है, हम लोग कितनी परेशानी पे, हम लोगों को पता है। हमारी 3 टीमें इस पर लगी हुई है और बहुत जल्दी हम 2-3 दिन के अंदर इसको खुलासा करते हैं कि वो कहाँ पर है। अभी तक की जांच से ये सामने आया है कि वो जहाँ भी हैं जीवित हैं और अपनी मर्जी से गए गए हैं। कुछ सारे एंगल कुछ ऐसे हैं, इनके व्यक्तिगत कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो घर से चले गए थे बिना बताए घर वालों को, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन में हम उसको बरामद सकुशल बरामद करें। सरोवर नगरी नैनीताल में मकसद संस्था के कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम कर जनता की वाहवाही लूटी। आपको बता दें कि उत्तराखंड उत्सव कार्यशाला का आयोजन मकसद संस्था भिकिया सैन अल्मोड़ा के तत्वाधान में और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। उत्तराखंड की लोक संस्कृति परंपराओं पर आधारित इस कार्यक्रम का आयोजन रामलीला समिति शेर का डंडा और रंगारंग कार्यक्रम मकसद संस्था के कलाकारों द्वारा किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की रामगंगा शाखा के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने शशिखाल बाजार से तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सल्ट विधायक महेश जिनान के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा गया। साथ ही समिति के सदस्यों ने गोल्डन कार्ड में विसंगतियों को दूर करने और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा। आपको बता दें कि गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लगातार अपनी वेतन विसंगति के मामले पर आंदोलन कर रही है। 25 अगस्त से भिकियासैंण तहसील मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं सीनियर सिटीजन। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज जो है सड़क पर है। हम पिछले 12 दिनों से अनशन मतलब धरने पर बैठे हैं, बिना हमारी सहमति के, पेंशनर की सहमति के बिना हमारी जो है गोल्डन कार्ड के नाम पर कटौती की जा रही है और 250 से लेकर 1000 रुपये तक की कटौती हो रही है। इसमें पेंशनर से कोई सहमति नहीं ली गई है और इसका हम विरोध कर रहे हैं। और आज आपको ये बता दें कि पूरे प्रदेश में गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया ही बंद हो गई है। जिस कंपनी के साथ इन्होंने सौदा किया था, जिस बीमा कंपनी के साथ, वो कंपनी भाग गई है यहाँ से। आज गोल्डन कार्ड नहीं बन रहे हैं। पर्वतीय हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी 10% लोगों के भी कार्ड नहीं बने। संगठन ने आज मुझे ज्ञापन दिया, उसके लिए ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है। हमारी इस ज्ञापन से पहले ही उनसे बात चल रही है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अभी हमारे मुख्यमंत्री जी योजना बना के कार्य कर रहे हैं। मुनस्यारी में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक समाचार पत्र के आवाहन पर हिमालय प्रतिज्ञा प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा द्वारा दिलाई गई। साथ ही भाषण प्रतियोगिताओं में भी विवेकानंद विद्या मंदिर के छात्र चेतन ब्रिजवाल ने धारचूला विधानसभा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर GIC मुनस्यारी के भूपेक्ष बेस्ट और तीसरे स्थान पर केंद्रीय विद्यालय की धारचूला की छात्रा रितु भंडारी रही। कल अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक में आम आदमी पार्टी के CM पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल पहली बार पहुंचे, जहां आप कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने सल्ट शहीदों को इस मौके पर श्रद्धांजलि भी दी। सबके चेहरे पे ना रौनक आ रखी है। कभी शहीद स्थल में जाओ तो शरीर में रोंगटे और चेहरे पे अगर रौनक आ रही है तो वाकई में ना हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना है। ये देशभक्ति की भावना कब शुरू होती है? आज के दिन 5 सितंबर सर्वोच्च बलिदान दे करके 1942 में एक आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन की शुरुआत इस तरीके से थी कि पूरे देश में तो भारत अपने को इंग्लैंड से आज़ाद कर ही रहा था और उसके लिए लड़ रहा था, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने कहां कहां पे अपनी कुर्बानी देने की जो अंदर भावना पैदा करी, वैसे पहाड़ों में चले हुए आंदोलनों से हैं। अब एक बड़ी खबर आपको पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र से बता दें, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है जहां सरकारी राशन की दुकान में APL कार्ड धारकों को मनमाने रेटों पर
राशन दिया जा रहा है। यहां सरकार द्वारा निर्धारित किए गए रेटों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और विभाग को इसकी कोई खबर तक नहीं है। पहाड़ टीवी के क्राउंड जीरो रिपोर्टर इंद्रजीत असवाल ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला यहां पर सस्ते गल्ले राशन विक्रेताओं द्वारा एपीएल कार्ड धारकों को 17 रुपए किलो चावल दिया जा रहा है। वहीं सतपुली से 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर 13 रुपए किलो तो कहीं पर 15 रुपए किलो चावल एपीएल कार्ड पर दिए जा रहे हैं। वहीं सस्ते गल्ले की दुकानों की समय समय पर उप जिलाधिकारी और सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा जांच भी होती है, पर रजिस्टर में डीलरों द्वारा 11 रुपए किलो के हिसाब से ही अंकित किया जाता है, जबकि ग्राहकों को अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। वहीं इस मामले में कुछ डीलरों से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको विभाग द्वारा ना तो कोई किराया पूरा मिलता है और ना ही पिल्लेदारी पूरी दी जाती है। जो रेट सरकार द्वारा कई साल पहले तय किए गए थे उन्हीं पर आज भी कार्य हो रहा है, जबकि अब गाड़ी भाड़ा पल्लेदारी आदि सभी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि डीलरों को सरकारी गोदाम से राशन के 50 किलो के जो कट्टे दिए जाते हैं उनमें 4-5 किलो राशन कम रहता है, जिसकी भरपाई डीलरों को ही करनी पड़ती है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता काशी सिंह एरी और सल्ट प्रभारी राकेश नाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं क्रांति दल के नेता काशी सिंह एरी ने सल्ट आगमन पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की परिवर्तन रैली और भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को सिरे से नकारते हुए कहा, उत्तराखंड क्रांति दल का अभियान हमेशा मूलभूत मुद्दों को लेकर रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार आदि मुद्दों पर हमारी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। करने के लिए चुनाव का जो मैनेजमेंट है आज बहुत राष्ट्रीय दलों ने, दिल्ली की पार्टियों ने, जो आप देख रहे हैं दो तो पहले से भी एक पार्टी और आ गई है, ये धनबल के हिसाब से बाहुबल के को लेके और बहुत ही गलत हथकंडे अपना के शराब बांट के पैसा बांट के वोट लेते हैं। तो हम इसकी भी भर्सना करते हैं और जनता को इसके लिए भी जागरूक कर रहे हैं कि अपना वोट बेचने की जरूरत नहीं है। ये डकैत हैं, ये लुटेरे हैं, उत्तराखंड को लूट रहे हैं और आपको लूट के ही आपको वो ये जो पैसा दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, इसलिए इनकी लूट खसोट से बचो। और जिन लोगों ने राज्य की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने सब कुछ बलिदान किया, उन लोगों जिनके दिलों दिमाग में, जिनके जहन में उत्तराखंड के विकास का मॉडल है, उनको एक बार सत्ता में लाओ, उनको भरोसा, अपना भरोसा सौंपो, तो उत्तराखंड की दशा भी बदलेगी, दिशा भी बदलेगी, उत्तराखंड बचेगा भी, उत्तराखंड बसेगा भी। पहाड़ी राज्य की अवधारणा उत्तराखंड क्रांति दल ने रखी थी, क्या उस पर भाजपा कांग्रेस खरी उतरी है? अभी आप देख रहे हैं उदाहरण के तौर पर एक निकाल रही है परिवर्तन यात्रा और एक निकाल रही है जनादेश जन आशीर्वाद यात्रा। इनको कितनी बार उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद दे दिया और उस आशीर्वाद के बदले जनता को क्या मिला है, ये हम कहना चाहते हैं, जनता से पूछना चाहते हैं। और परिवर्तन करके तीन बार ये परिवर्तन करके सत्ता में आए हैं, केवल और केवल लूट खसोट करते हैं, केवल और केवल सत्ता की राजनीति करते हैं, जनता के विकास, जनता की भला की बात ये बिल्कुल न सोचते हैं न करते हैं। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए CDS विपिन रावत भारी सुरक्षा के बीच मसूरी पहुंचे। इस दौरान विपिन रावत ने ट्रेनी IAS अधिकारियों से देश के विकास के साथ आर्मी को बेहतर बनाने को लेकर भी चर्चा की। इस मौके पर CM धामी ने CDS जनरल विपिन रावत से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के साथ साथ राज्य सरकार और सैन्य प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी बातचीत की। यूं तो पहाड़ों में कई सरकारी भवन बनके खंडर बनने की कगार पर आ गए हैं और कई महत्वपूर्ण भवन सालों से ही निर्माणाधीन है। आज हम आपको पौड़ी गढ़वाल की तहसील चौबट्टा खाल में निर्माणाधीन तहसील भवन दिखा रहे हैं, जो विगत 15 सालों से कभी पूरा ही नहीं हो पाया और तहसील प्राथमिक विद्यालय में चल रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल्द तहसील को तहसील भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आए दिन तहसील में भीड़ जमा रहती है या फिर धरना प्रदर्शन किया जाता है, जिसका बुरा असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ता है। चौबट्टा खाल तहसील भवन निर्माणाधीन तहसील भवन है, जो कि विगत 15 वर्षों से इस पे कुछ न कुछ ड्रामेबाजी चलती रही। पहले बिल्डिंग के लिए पैसा स्वीकृत नहीं हुआ, उसके बाद हरीश रावत जी की जब सरकार आई तो उस समय 50 लाख की टोकन मनी इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर दी गई। होता क्या है, सरकार चेंज हुई उसके बाद इसका पूरा काम डंप हो गया, आगे एक भी पत्थर इस पर नहीं लगा। अभी कुछ दिन पूर्व, कुछ माह पूर्व इसमें कुछ पैसा धनराशि और आई,
अब एक कछुआ गति से थोड़ा इसकी आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लगभग 15-16 साल इसको स्वीकृति को हो गए हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर उदासीनता इन सरकारों की जनता के प्रति है, जो कि एक तहसील का जो रेवेन्यू एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर कार्य को सुधारता है, बनाता है, पर आज वही डिपार्टमेंट अपनी बिल्डिंग के लिए तरस रहा है। तहसील अभी फिलहाल कहाँ चल रही है? फिलहाल ये तहसील हमारे प्राथमिक विद्यालय ये चौबट्टा खाल में संचालित की जा रही है, जिसमें लगातार बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, आपको पता है कि इन प्राइमरी स्कूलों में निम्न स्तर के लोगों के मजदूर के बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते हैं, परंतु उसमें भी क्योंकि तहसील संचालित वहाँ पर की जा रही है, व्यवधान हो रहा है, पढ़ाई में व्यवधान होता है। माननीय उपजिलाधिकारी महोदय जी का जो कार्यालय है वो संकुल संसाधन केंद्र में संचालित किया जा रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है इस सरकार से, सिस्टम से, कि जल्द से जल्द एक माह के अंदर इस तहसील का निर्माण कार्य कर तहसील को यहाँ शिफ्ट करने की मैं गुजारिश करना चाहूँगा। किच्छा प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में टेम्पो यूनियन द्वारा एक जुलूस निकाला गया जो बस स्टैंड से शुरू होते हुए तहसील परिसर में पहुंचा, जहां टेम्पो यूनियन द्वारा नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा टेम्पो से रसीद काटी जा रही है, जिसका टेम्पो यूनियन काफी समय से विरोध कर रहा है। दिल पहुंचे हो टेम्पो यूनियन की समस्या लेके, क्या समस्या थी, कौन वसूली कर रहा है और क्या आरोप आपने लगाए हैं? देखिए, ये टेम्पो वाले बहुत ही निम्न गरीब परिवार के हैं, ये सुबह कमाते हैं और शाम को अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। ऐसे में इनसे 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक अवैध वसूली की जा रही है, जो कोरोना काल में सब जगह बंद है। ये बेचारे अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, इनसे 2 दिन से लगातार पर्ची काट के इनसे अवैध वसूली की जा रही है। इसका आज हमने IGM साहब के महोदय के माध्यम से इसका विरोध जताया और शीघ्र ही इसको काम को नहीं रोका गया आज से, तो कल से हम सारे टेम्पो वाले हड़ताल करके चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भी होगी, क्योंकि गरीब आदमी को इस टाइम हम अवैध वसूली और उनकी रोजी रोटी के लिए वो बेचारे दर दर ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में उनसे 20 रुपये से लेकर 50 रुपये वसूल करना बिल्कुल गलत है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, सिर्फ नगर पालिका ही अवैध वसूली कर रही है, कोई और भी अवैध वसूली कर रहा है? अब मेरे ये सारा मेरे पास जो संज्ञान में आया, इन्होंने नगर पालिका का तो हमारे ये आप वो क्या कर रहे हैं उसमें मुझे नहीं, मुझे जो शिकायत की गई है, जो मेरा दायित्व है गरीब आदमी की आवाज को उठाना, उसके साथ उत्पीड़न ना हो, सरकारी हमला कोई दबाव में इनसे काम ना करे, दबाव में पैसे वसूली ना करे, उसके विरोध में मैंने निश्चित रूप से आवाज उठाई है, ये आवाज आगे जारी है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित करवाई गई JEE मेंस की परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में NTA के महानिदेशक विनीत जोशी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। मोहन भंडारी ने कहा कि देश के छात्र कठिन मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, वहीं सरकार निष्पक्ष परीक्षा भी नहीं करवा पा रही है, जो कि सरकार पर बड़े सवाल खड़े करता है। देहरादून के शिमला बाईपास स्थित वन विहार कॉलोनी में आए दिन चोरियां होती जा रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां एक खाली प्लॉट पर सलीम नाम के एक व्यक्ति ने छोटी छोटी झुग्गियां बनाकर कुछ लोगों को यहां बसाया है। इन लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, कोई पुख्ता रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, कोई इन्हें रोहिंग्या बता रहा है तो कोई बांग्लादेशी। वहीं स्थानीय लोगों ने कोतवाली पटेल नगर को इस संबंध में एक शिकायती पत्र भी दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या इन अवैध झुग्गियों में रह रहे लोगों का सत्यापन होगा या नहीं। पहा टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहा टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, आस्था भी, ये है मेरा उत्तराखंड।